हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू आवर कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। मुझे आशा है कि आज तक लास्ट 8 दिन आपने इस कोर्स के लिए जो टास्क आपको दिए गए थे, जो चीज़ें आपको बताई गई थी, उसे आपने फॉलो किया है। तो चलिए आज हम देखते हैं 9वां टास्क, यानी कि 9वां दिन कौन सा है। Day 9 इज एन ऑनेस्ट डे। ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई, आजकल के ज़माने में ये शब्द कहीं गुम होते जा रहे हैं। ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी, ये शब्द थोड़े से बैकवर्ड ज़माने के लग रहे हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई, ये आपके पर्सनालिटी के ऐसे गुण हैं जो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ब्राइट कर सकते हैं। हमारे भारत देश में ऑनेस्टी और सच्चाई, ईमानदारी का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास है, हमारे देश में, जिसे पूरी दुनिया मान चुकी है। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग से पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया था। आज ज़रूरत है आपको आपकी पर्सनालिटी उजागर करने की, ब्राइट करने की। तो ये एक ऐसा गुण है जो आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि पर्सनालिटी ऑलवेज कम्स विद इन यू, आपके अंदर से निकलती है, अंदर से आती है। आप कहेंगे कि क्या आजकल के ज़माने में ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी, ये गुण हम 100% फॉलो कर सकते हैं? ये तो आपके ऊपर निर्भर है। एक संस्कृत वचन मैं आपको याद दिलाता हूँ, सत्यम वदा प्रियम वदा। इसका मतलब ये होता है कि किसी की भलाई के लिए बोला हुआ झूठ किसी को दर्द पहुंचाने वाले सच से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको झूठ बोलना पड़े किसी के भलाई के लिए, तो उसमें हर्ज क्या है? मुझे लगता है कि वो झूठ शायद ईश्वर को भी मंजूर होगा। और आजकल के प्रैक्टिकल ज़माने में एक बात मैं आपको कहूँ, सच, ऑनेस्टी, ईमानदारी या सच बोलने का बहुत बड़ा फायदा क्या है? आपको कभी भी ये याद नहीं रखना होगा कि आपने क्या कहा था, आपने किसी भी चीज़ के बारे में क्या कहा था, क्योंकि आप सच कह रहे हैं और सच कभी नहीं बदलेगा। चाहे 10 साल के बाद भी आपको कोई वही चीज़ अगर पूछे, तो आपको तो सच ही बताना है, जो हुआ है वही तो आपको बताना है। लेकिन अगर आपने झूठ कहा, तो आपको वो ज़िंदगी भर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है। वही इंसान 10 साल के बाद भी आपको अगर वो पूछे, तो उसके तो दिमाग में रहेगा कि इसने क्या कहा था। और अगर उस वक्त आपने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, तो आप झट से पकड़े जाओगे। हम सभी को ऐसा लगता है कि हम झूठ बोलकर बच सकते हैं। कई बार अपने आप को बचाने के लिए, शायद आपने कोई काम नहीं किया हो या कुछ गलती की हो, तो अपने आप को बचाने के लिए हम बहुत इजीली झूठ बोल देते हैं, उस समय को टाल देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, सच हमेशा बाहर आकर ही रहता है, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों, आज का यह दिन है ऑनेस्टी डे। हमें सिर्फ आज के दिन, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए आपको सत्य, सच, ऑनेस्टी, ईमानदारी से रहना होगा, से बोलना होगा। अब आप कहोगे कि हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में ऐसे क्या घटनाएं या ऐसे क्या सिचुएशंस होते हैं जहां हम झूठ बोलते हैं या हमें सच बोलना चाहिए? कई सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मोबाइल आने के बाद क्या आपने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगे हैं? मैंने खुद रेलवे स्टेशन पर लोगों को बोलते हुए सुना है, हाँ, अगर किसी ने पूछा तुम कहाँ हो, तो सीधा बता देते, अरे यहीं पे, पास पे हो, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हालांकि उनको पहुँचने में शायद आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है। हमें लगता है कि ये एक बहुत सिंपल सा झूठ है, इससे किसी का क्या बिगड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपका हर एक झूठ, हर एक डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट आपकी पर्सनालिटी में एक निगेटिव लेयर जोड़ देता है, और वो निगेटिव लेयर धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है
कि बाद में उसे मिटाना नामुमकिन होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे होते हैं कि वो हमेशा झूठ बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका मतलब कुछ गलत नहीं होता। मतलब सिर्फ झूठ के लिए झूठ, इतना ही वो बोल देते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि लोगों को तो इमीडिएटली समझ में आता है कि आपके सामने वाला इंसान, और अगर वो आपके करीबी लोग हो, मतलब रोज़ मिलने जुलने वाले लोग हो, घर के लोग हो, तो वो तो इमीडिएटली समझ जाएंगे कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हम सब लोग नहीं जानते। लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इमोशंस एंड एक्शंस, एक्शंस बॉडी लैंग्वेज से प्रकट होते हैं। आप अगर झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करेगा कि उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन करें। अब ये एक्शंस क्या होते हैं वो शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? छोटे बच्चे जब झूठ बोलते हैं तब वो मुंह पर हाथ रख कर बोलते हैं, और ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। बॉडी लैंग्वेज किसी को सीखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। बॉडी लैंग्वेज आपका शरीर, आपका ब्रेन, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करता है। आप देखिए, आप एक प्रयोग करके देखिए, आप किसी को सामने रखकर या डेलिबरेटली किसी से एक कुछ ना कुछ झूठ बोलते जाइए, आपका हाथ अनस्टेबल हो जाएगा, आपका हाथ कहीं ना कहीं अपने चेहरे के आसपास जाएगा। छोटा बच्चा तो सीधा मुंह ढक लेता है, लेकिन बड़े लोग मुंह ढक नहीं सकते, उनका हाथ कहीं ना कहीं गाल पर, कान के यहाँ, सर के यहाँ, बालों पर पहुँचता है। ये एक निशानी है झूठ बोलने वाले को पकड़ने की। अब इसका इस्तेमाल करके, इस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लोग सफाई से झूठ भी कह सकते हैं। सिर्फ इतना करना है कि आपके हाथ को पक्का बांध कर रखना है, लेकिन फिर भी वो झूठ सच नहीं बन जाएगा। ऑनेस्टी दिखाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब सही ऑनेस्ट इंसान, ईमानदार इंसान किसे कहते हैं, किसे बोल सकते हैं? हम उसे बोल सकते हैं कि जो किसी को भी आंसरेबल नहीं है, जिसे किसी को भी उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ क्रिया करते समय कोई भी उसे नहीं देख रहा है, फिर भी अगर वो ऑनेस्ट है, अगर वो ईमानदारी से बिहेव कर रहा है, तो वो ऑनेस्ट इंसान आप कह सकते हैं। मैंने ऐसी ऑनेस्टी या फिर ऐसी ईमानदारी मैंने एक बार देखी है। एक बार दूसरे जो बहुत बड़ा इंसिडेंस था, एक जापनीज डेलीगेशन मिलने के लिए आए थे, तब मैं शायद कॉलेज में था, और एक पार्टी करके हम बाहर निकल रहे थे। मेरे डैड थे और वो लोग थे, और उनके कार से ड्राइवर नहीं था, तो वो जो जापनीज़ आदमी था उसने कहा कि हम ड्राइवर मंगाते हैं, होटल से ड्राइवर हायर कर लेते हैं। तो डैड ने कहा, क्यों ड्राइवर क्यों? मेरे डैड को ड्राइविंग नहीं आती थी और मैं तो तब कॉलेज में था। तो उसने कहा कि नहीं, वी आर ड्रंक, हमने ड्रिंक्स लिए हैं, मैंने ड्रिंक्स लिए तो मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता। रात के 2 बजे थे, तो ऑब्वियसली हम लोग ने कहा, अरे 2 बजे कोई नहीं रहता है उधर, 2 बजे कौन पकड़ेगा? और ये 10-15 साल पहले की बात है, तब तो इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग, अल्कोहलिक चेकिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं था तभी। लेकिन उस आदमी ने कहा, हाँ कोई पकड़ने वाला नहीं है, देखने वाला है, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं शराब पिया हुआ हूँ, भले एक पेक पिया हूँ, तो आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता। तो अभी वो डेलीगेशंस थे, क्लाइंट्स थे, तो ड्राइवर्स को अरेंज किया गया, और मुंबई उसका जो होटल था, दूसरा रहने की जगह थी, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। रात के 2 बजे थे और एक जगह पर सिग्नल शुरू था रात के 2 बजे। अब आप खुद सोचिए, हमारे यहाँ तो दिन दहाड़े सिग्नल तोड़ के लोग भाग जाते हैं, ओके? क्यों? क्योंकि पुलिस नहीं है वहाँ पर, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो बिंदास चले जाते हैं। उस आदमी ने ड्राइवर से कहा, रेड सिग्नल है, गाड़ी रोको। तो ड्राइवर ने कहा, सर कोई नहीं है इधर, रास्ता सुनसान पड़ा है, एक भी गाड़ी नहीं है। उसने कहा, नहीं वो सिग्नल है ना, रेड सिग्नल है ना, तो गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोकी, तब मुझे एक बहुत बड़ा पाठ मिल गया उसके ऊपर। चलो मैं मेरे अपने बारे में एक चीज़ आपको बताता हूँ।
एक बात आपको बताता हूँ, ऑनेस्टी की बात है। एक चीज उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि झूठ आप दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन जब आप आईने के सामने खड़े होंगे तब उसे आप छुपा नहीं सकते। अगर आप आईने में देखकर अगर आप बोल सको कि हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो आप ईमानदार हैं। 15 साल पहले की बात है, जब मैं इंजीनियर बना था और मुझे एक फ्रेंड के थ्रू एक कॉलेज में एक जॉब ऑफर हुआ, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ़ द कंप्यूटर डिपार्टमेंट। 15 साल 15 20 साल पहले की बात है, नॉट इवन 15 20 साल पहले की बात है कि हेड ऑफ़ द कंप्यूटर डिपार्टमेंट, मैं कॉलेज या फ्रेंड या किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है, मुझे जॉब ऑफर हुआ था। जॉब का टाइमिंग था मॉर्निंग 7:30 to 11 o'clock, HOD ऑफ द कॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट। ओके, उसके लिए जो कुछ भी नॉलेज चाहिए था, इंजीनियरिंग की डिग्री तो मेरे पास थी, जो नॉलेज चाहिए था, प्रोग्रामिंग था, जो कुछ भी नॉलेज चाहिए था वो भी मेरे पास था, लेकिन उनके जो सर्कुलर होता है कॉलेज का, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पर एक था कि HOD अगर है तो वो डबल ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास MCA की डिग्री होनी चाहिए। अब मेरा जो दोस्त था उसे तो पता था कि मेरे पास MCA की डिग्री नहीं थी, मैं इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू में मैंने साफ बता दिया कि सो एंड सो, तो उन्होंने कहा सर आप तो ओवर क्वालिफाइड हो। मैंने कहा ठीक है लेकिन टाइमिंग कम है, आई कैन यूटिलाइज दिस रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर माई रिसर्च। तो उन्होंने कहा ओके वी विल लेट यू नो। बाद में मुझे उस दोस्त ने कहा कि दे आर वेरी हैप्पी एंड दे वॉन्ट टू अपॉइंट यू, लेकिन तुम्हारे पास MCA की डिग्री नहीं है। तो मैंने कहा तो बैड लक, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा मेरे पहचान वाला एक आदमी है जो तुम्हें साउथ के किसी यूनिवर्सिटी की MCA की डिग्री दिला देगा कुछ पैसे लेकर। तो बहुत ही बड़ा प्रलोभन था ये, क्योंकि सुबह 7:30 से 11 बजे काम करने के बाद 20 साल पहले सैलरी थी 35,000 rupees per month एज अ HOD ऑफ अ कॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो यंग था मैं भी, और तभी मुझे भी लगा हाँ यार लेनी चाहिए वैसे। और यहाँ मैंने क्या क्या, देखो यहाँ बहुत बार हम ऐसा करते हैं, हम अपने मन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही है। तो मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि अरे मेरे पास तो इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, मेरे पास वो सब नॉलेज है, बेटर देन अदर पार्टिसिपेंट जो इंटरव्यू में आए थे उन सबसे मैं बेहतर था, मुझे खुद को पता था ये और उनको भी ये बात पता थी। तो मैंने खुद को कन्विंस करना शुरू किया, अरे क्या है तुम्हें तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, मेरे पास डिग्री है, तो सिर्फ MCA की डिग्री ही तो नहीं है ना, लेकिन MCA को जो कुछ भी सिखाया जाता है उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे है। तो अगर ये इंसिडेंटल केस है और अगर ये बंदा मुझे सर्टिफिकेट दिलवा रहा है तो मैं क्यों ना लूँ। ऐसा इस झूठ को मैंने खुद के फायदे के लिए खुद को कन्विंस करना शुरू किया, और यही बात हम सभी लोग करते हैं। जो चीज़, जो झूठ अपने फायदे का हो उसे हम अपने मन को कन्विंस करने लगते हैं। तो टेम्पररीली मैंने उसे कह दिया ठीक है मैं ले लूँगा। तो उसने कहा ठीक है मैं आज रात को तुम्हें फ़ोन करूँगा और तुम पैसे का इंतज़ाम करना, डिग्री तुम्हें 4-5 दिन में मिल जाएगी, सर्टिफिकेट तुम्हें मिल जाएगा विथ ऑल द फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड। ओके, फिर दिन भर मैंने सोचा कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। मैंने किसी को नहीं बताया था, किसी को इस बारे में पता नहीं था, सिर्फ मेरा दोस्त और मैं ही जानते थे कि ये बात, और ये वो दोस्त भी ऐसा नहीं था कि वो सबको कहता फिरे, डिग्री जेन्युइन थी, भले मेरे लिए वो फेक थी लेकिन वो जेन्युइन थी। तो ये झूठ, ये डिसऑनेस्टी जिंदगी में कभी बाहर आने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है, लोगों को पता नहीं है लेकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आई एम नॉट डूइंग द प्रॉपर थिंग। जब मैं आईने के सामने खड़ा रहूँगा तो क्या मैं खुद को कन्विंस कर सकूँगा। अगर इस सर्टिफिकेट के आधार पर अगर मुझे और कुछ मान सम्मान मिलते हैं तो क्या मैं ऑनेस्टली विद माय क्लियर हार्ट वो एक्सेप्ट कर पाऊंगा। मेरा आंसर था नहीं,
उस टाइम उस ज़माने में 20 साल पहले 35,000 बहुत बड़ी रकम थी। तो मैंने जब रात को उसका फ़ोन आया तब मैंने उसे कहा कि नो थैंक यू, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो उसने मुझे बहुत कन्विंस करने का ट्राई किया लेकिन मैंने कहा नहीं, आई कैन नॉट डू दैट। ये बात मैं मेरे मन में हमेशा रखता हूँ, जब मुझे कभी डिसऑनेस्टी या फिर कभी झूठ बोलने की नौबत मुझ पर आए तो मैं बोलता हूँ, अरे इतना बड़ा डिसीजन में अगर मैं सच का साथ दे सकता हूँ तो ये तो बहुत छोटी बातें हैं। और ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, हम सबके लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें प्रॉमिसिंग, जो आगे चलकर भविष्य में हमें एक ताकत देते हैं। ऐसे ऐसी घटनाएं, ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं वो हमेशा याद रखिए, जिसे कहा जाता है कि अविस्मरणीय, जो कभी ना भुला सके। ऐसे इवेंट्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए। और जब भी कभी ऐसा मौका आए कि आप किंतु परंतु में पड़ जाए कि मैं करूं या ना करूं, एट दैट टाइम यू कैन थिंक, अगर मैं इससे बड़ी बातें इजीली कर सकता हूं तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता। हमारे लाइफ में डिसऑनेस्ट, बल्कि जो बाइक कार चलाते हैं उनके लाइफ में तो रोज डिसऑनेस्टी के ऐसे इंसिडेंट्स घटते रहते हैं। आपके पास लाइसेंस नहीं है, PUC नहीं है, आपको पुलिस ने पकड़ा, आप क्या करते हैं? अगर आपने सिग्नल तोड़ा, आपको पुलिस ने पकड़ा, आप क्या करते हैं? गलती तो आपकी है, आपने जानबूझ के ये किया है। भले आपके सामने की चार गाड़ियां निकल गई लेकिन आप तो निकल गए ना। फिर हम क्या बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी ने आपसे कहा कि अरे तू तो झूठ बोल रहा है, तो हम इमीडिएटली बोलते, फिर तू नहीं क्या झूठ बोलता है, तू भी, तूने भी तो झूठ बोला था। क्या किया यहां हमने? यहां हमने खुद की गलती छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाया, दूसरों के गुनाह प्रकट किए, लेकिन दूसरे की गलती निकालकर हमारी गलती कैसे सुधार सकती है? हमारी गलती तो गलती ही रहेगी, हमारी डिसऑनेस्टी तो डिसऑनेस्टी ही रहेगी। भले फिर आप सारी दुनिया को डिसऑनेस्टी के इंसिडेंट्स बता दो उनके खुद के। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिस डे ऑफ ऑनेस्ट डे इज नॉट वेरी इजी टू फॉलो। लेकिन अभी ऐसे प्रसंग, ऐसे घटनाएं हमारे जीवन में रोज तो नहीं घटती, लेकिन रोज ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कि जब हम ऑनेस्टी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद कार, बाइक, ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर आप किसी शॉप में गए, गलती से उसने आपको ज़्यादा पैसे दे दिए, आपको पता चला, आप इमीडिएटली उसको वापस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे प्रसंग होते हैं। तो दोस्तों, ये है आज आपका 9वां दिन, कल का द डे ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। और आपका टास्क, मतलब ये ऑनेस्टी डे आप जब खत्म करेंगे रात को, तब आपको क्या करना है? तब आपको वही इंसिडेंट्स, आज दिन भर जो घटे हैं वो इंसिडेंट्स याद करने हैं कि कब आपने ऑनेस्टी दिखाई, कब आपने हिम्मत दिखाई सच बोलने की, कब आपने हिम्मत दिखाई ईमानदारी की। ये जो घटनाएं हैं वो आपको याद करनी है, और बचपन से लेके आज तक ऐसी घटनाएं आपको याद करनी है जहां आपने सच्चाई दिखाई थी, ऑनेस्टी दिखाई थी। भले उसके लिए आपको सजा हुई होगी, स्कूल में सच बोलने के लिए बहुत बार मार भी पड़ती है। तो ऐसे प्रसंग और ये ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हमेशा होती है, अनफॉर्गेटेबल मोमेंट्स। इन्हीं अनफॉर्गेटेबल मोमेंट्स को आपको याद करना है, और यही अनफॉर्गेटेबल मोमेंट्स आपको जीवन में किसी भी समय एक ताकत देते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था आपके डे 9 का टास्क। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट हैप्पी ऑनेस्टी डे। थैंक यू वेरी मच।